पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है लोडर मैजिक सब्जियों की आड़ में गांजे की जो है सप्लाई कर रहे थे। सूचना के आधार पर तालगढ़ पुलिस द्वारा जो है इस पर कार्रवाई की गई है। कुल दो लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें करीब एक क्विंटल 600 ग्राम गांजा जो है अवैध रूप का वो बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित जो बाजार की कीमत है वो करीब 10 लाख रुपए की है। अनुमानित कीमत है इसकी, इसमें रिकवरी हुई है, दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ का क्रम जारी है। इसमें जो है इनके गैंग के और भी जो सदस्य हैं उनके बारे में हम लोग पता करके उन पर कार्रवाई करेंगे। फिर कहाँ से आ रहा है गांजा, कहाँ से आ रहा? अभी तक जो प्राप्त सूचना है वो ये है कि ये अंतर्राज्यीय गैंग के रूप में काम कर रहा था। ये निवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ से लेकर के आ रहे थे बेचने के लिए। बाकी ये कहाँ से आ रहा था, इसका उद्गम कहाँ पर है, विवेचना के क्रम में जो है वो प्रकाश में बताएंगे। ये ललितपुर में ही इसको गला रहे थे, सप्लाई ललितपुर में ही कर रहे थे गांजे। अभी ये यहाँ से लेकर के अपना जो है गांजा लेकर के जा रहे थे, सप्लाई कई जगह करते हैं। बाकी ये इस वक्त इस माल को कहाँ लेकर के जा रहे थे विवेचना के क्रम में बात आएगी कि इनके कौन खरीदार थे, किनसे इन्होंने खुद खरीदा था, कहाँ पर ये लोगों ने सप्लाई किया था, कहाँ वांछित रखा गया है, फरारी बताया गया। हाँ, इसमें एक अभी जो है वांछित भी है, इसकी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें सर कितने लोग?